नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहिणी और आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आई हूं, स्कूल रिफ्यूजल। बच्चों के साथ मैंने बहुत बार देखा है कि ये चीज बहुत बार सामने आती है कि हमेशा जब भी एक नया दिन आता है, एक नई सुबह होती है, तो बच्चों को लगता है, उनका पहला क्वेश्चन होता है, उनका पहला शब्द होता है कि आज मुझे स्कूल नहीं जाना है। सो आज इन चीजों को कैसे टैकल करना है, इन्हें कैसे इम्प्रूव करना है, इन्हें किन ट्रिक्स से आपको अपना के इन्हें रिजॉल्व करना है, आज इन चीजों के बारे में आपको बताने वाली हूं। तो आई विश आप ये वीडियो आज पूरा लास्ट तक देखिए और इन ट्रिक्स को अपनाइए। एंड लास्ट में मैं आपको एक और एक सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रिक, इम्पॉर्टेंट चीज बताने वाली हूं जिसे आई थिंक यू डोंट हैव टू मिस। सो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है, सबसे पहला पॉइंट है कि अगर आपका बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता है तो सबसे पहले आप उसे पूछिए कि आप क्यों नहीं जाना चाहते हैं। तो सबसे पहले उसका कारण आप समझ लीजिए, वो किस चीज के बारे में बोल रहा है। अगर उसे कुछ फिजिकल इश्यूज है या फिर अगर उसे कुछ पेट दर्द, सिर दर्द, ऐसी चीजें हैं, बट आप इसे समझ के लीजिए। अगर आप इसे प्रॉपरली अगर समझ लेंगे कि हाँ वो बहाना बना रहा है या फिर उसको सही में वो प्रॉब्लम है, सो इससे आप उसे रिकवर कर पाएंगे कि आपको क्या डिसीजन लेना है। आफ्टर दैट वी हैव अ नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कि अगर अगर आपका बच्चा नहीं जाना चाहता तो आप तुरंत उसे लेक्चर देना मत शुरू कर दीजिए कि नहीं नहीं तुम्हारा हमेशा ऐसे ही रहता है, हर रोज तुम्हारे यही नाटक है, रोज यही है, रोज वही है, ये सब वो सब प्लीज मत कीजिए। लेक्चर अगर आप बच्चों को देंगे तो वो बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे। ये मेरा खुद का अनुभव है बिकॉज मेरे साथ भी, मेरा भी एक बेटा है जिसके साथ मैं ये प्रॉब्लम ओवरकम कर पाई हूं। बट जब मैंने लेक्चर देना बंद किया, जब मैंने उसे स्मार्टली मैनेज किया, तो ये सब चीजें प्रॉपर मैनेज हो पाई हैं। तो डोंट डू द लेक्चर्स, जो लेक्चर है उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है कि ऐसे होगा वैसे होगा, हमेशा का यही नाटक है वो नाटक है, वो सब प्लीज आप पहले बंद कर दीजिए, नो लेक्चर्स प्लीज। उसके बाद नेक्स्ट है कि मैंने बहुत बार देखा है कि पेरेंट्स क्या करते हैं कि अगर बच्चे ने बोल दिया कि चलो मुझे आज नहीं जाना है स्कूल, मैं आज नहीं जाऊंगा, ऐसे वैसे रोना धोना चालू कर देता है। एंड अगर उसने रोना धोना शुरू कर दिया तो आपका भी एक चीज इसमें स्टार्ट हो जाती है कि मारना पीटना। सो प्लीज 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 मैं रिक्वेस्ट करती हूं कि प्लीज बच्चों को मारिए मत। मैं जो भी चीजें आपसे शेयर कर रही हूं वो सब मेरे खुद के अनुभव हैं, खुद की चीजें हैं, खुद से मैंने वो अप्लाई किए हैं एंड मैंने एक्सपीरियंस किए हैं, इसलिए मैं वो चीजें आपसे, मैंने सोचा कि मैं आपसे ये शेयर कर पाऊं, इसलिए मैं आज आपके सामने ये सब टॉपिक्स, ये सब चीजें लेके आई हूं। सो सबसे पहला है कि उन्हें आप बिल्कुल भी मारिए मत। मारने से प्रॉब्लम का सलूशन नहीं होने वाला है, मारने से कोई भी चीज नहीं होने वाली है, उल्टा वो बच्चा डिप्रेस हो जाएगा, वो बच्चा एक नेगेटिव पॉइंट में, नेगेटिव थॉट में चला जाएगा एंड उसके बाद उसका माइंड कहां, किस जगह, क्या चीज में डाइवर्ट हो सकता है, ये हम कुछ नहीं बोल सकते बिकॉज हम मतलब जो बच्चों का दिमाग रहता है, उनकी जो ब्रेन की जो लेवल रहती है, इट इज वेरी डिफरेंट। सो मारने पीटने से नथिंग कैन डू, नथिंग कैन हैपन। सो ये भी एक बहुत गलत चीज है जो जनरली पेरेंट्स हम लोग करते हैं। ओके, तो ये सब चीजें हो गई, हमें नहीं करनी चाहिए, बट हमें एक्चुअल में फिर क्या करना चाहिए। जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट में आपको बोला कि पहले कारण पूछ लीजिए। ओके, आपके पास कारण आ गया, अब कारण आने के बाद आप उसको हैंडल कैसे करें, मारना नहीं है, पीटना नहीं है एंड उसके बाद आपको उसको लेक्चर भी देना नहीं है, तो करना क्या है। तो करना ये है कि आपको अगर इसका कारण पता चल गया, कारण जो भी हो, उसे आप स्मार्टली मैनेज करें। स्मार्टली मैनेज करना मीन्स आपको उसे, उस कारण को समझकर उसके ऊपर एक ऐसा आंसर ऑन द स्पॉट, ऑन द वे आपको वो अप्लाई करना है एंड बच्चों को उसके ऊपर ओवरकम करवा के लेना है, करवा के लेना है। इन द सेंस आप उनसे वो चीज मनवा के लो कि अगर समझो, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूं, मेरा खुद का एग्जाम्पल है कि जैसे एक दिन मेरा बच्चा बोल रहा था कि मुझे आज स्कूल नहीं जाना है एंड उसके स्कूल में उसके एनुअल फंक्शन की प्रैक्टिस चल रही थी, तो उसने मुझे दो दिन पहले ही बताया था कि ऐसे ऐसे चीजें के हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये डांस है, उसने मुझे अच्छे से डांस स्टेप्स दिखाए, सब दिखाया एंड हम लोग पेरेंट्स को ये सब चीजें देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे उस टाइम दिमाग में क्लिक हुआ
कि अरे तुमने तो मुझे उस दिन बोला था कि ऐसे ऐसे प्रैक्टिस चल रही है और अभी तो कुछ थोड़े ही दिन रह गए आई थिंक तुम्हारे एनुअल फंक्शन के लिए, तो अगर तुम जाओगे नहीं तो फिर मे बी तुम्हारा वो प्रैक्टिस मिस हो जाएगा। अब मिस हो जाएगा तो मिस होने की चीज अगर उसके दिमाग में बैठ गई तो उसे लगा अरे हाँ आई एम एंजॉइंग दैट थिंग, मुझे वो चीज अच्छी लगती है, बट वो मिस हो गई तो उससे क्या फायदा है। तो उसने बोला अरे हाँ मम्मी, अरे मैं तो भूल ही गया था, प्रैक्टिस है, ऐसा है वैसा है, टीचर ने मना किया है जब तक एनुअल फंक्शन है तब तक कोई एब्सेंट नहीं होगा। तो वो तुरंत तैयार हो गया, तुरंत रेडी हो गया, खुद से नहाने चला गया, सब रेडी हो गया, उसने कपड़े पहन लिए, पूरा रेडी हो गया, दूध वगैरह खत्म कर दिया एंड ही वेंट टू द स्कूल। मतलब ये देखिए इतना अच्छे से स्मार्टली मैनेज करके, कुछ भी नहीं किया मैंने, जस्ट रिकॉल द थिंग जो उसी ने मुझे बताई थी। सो वो सब मैंने चीजें करी एंड द थिंग हैपेंड सो स्मार्टली। सो एक्चुअली ये छोटी छोटी चीजें इतनी मैटर करती है ना, कि हमें पेरेंट्स को ही अपने बच्चों से ही हमें वो चीजें सीख के उनके ऊपर अप्लाई करनी पड़ती हैं। उसके बाद ठीक है, इन केस अगर आप बोलेंगे कि अरे हमेशा थोड़ा ना फंक्शन रहता है, हमेशा थोड़ा ना कुछ चीजें रहती है, तो अभी देखिए अभी एक और पॉइंट है मेरे पास कि अगर आपका बच्चा नहीं जाना चाहता है, चलो आज तुम्हारी भी बात सुन ली, नहीं जाना चाहते हो मत जाओ, ठीक है मैं एक तुम्हें पॉलिसी देती हूं। तो इसे मेरा नेक्स्ट पॉइंट है पॉलिसी, सिक पॉलिसी का पॉइंट, ठीक है तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी, नहीं इच्छा हो रही है मत जाओ, बट आज का जो मैंने शेड्यूल है तुम्हारा ये बना के रखा है, मॉर्निंग के 7 o'clock से लेके 2 o'clock तक तुम स्कूल में रहते हो, तुम्हारा टाइम टेबल तुम वहां फॉलो करते हो, यू हैव योर 2 breaks, वहां पे तुम्हें एक छोटा ब्रेक होता है, शॉर्ट ब्रेक होता है, एक लॉन्ग ब्रेक होता है। तो चलो मैंने भी तुम्हारा एक शेड्यूल बना दिया है, इन दैट ऑल्सो यू हैव अ शॉर्ट ब्रेक, यू हैव अ लॉन्ग ब्रेक। सो अभी बच्चा डर जाएगा कि इसमें भी मुझे मम्मी पढ़ाई करने के लिए बिठाएगी, तो नहीं आप पढ़ाई मत, मतलब एकदम से कि हाँ स्टडी ही करने के लिए बैठाना है ऐसे नहीं, ओके तुम्हें रेस्ट भी लेना है, पढ़ाई भी करनी है, डॉक्टर के पास भी जाना है, स्टिल उसके बाद जो तुम्हें उसके जो चीजें उससे रिलेटेड है वो भी करनी है, ठीक है तुम्हें टीवी देखना है टीवी देखो, बट इन चीजों में स्टडी आनी ही चाहिए, मतलब जबरदस्ती नहीं, बट उसे वो शेड्यूल्ड एक अच्छे से फॉर्मेट में दे दो जो वो बच्चा इंजॉय कर सके। बट नेक्स्ट टाइम जब बच्चा बहाना बनाने की सोचे तो उसे वो याद आना चाहिए कि मम्मी अब घर पे बैठ के हमें चुप नहीं रहने देती है, खेलने के लिए नहीं, मतलब क्या होता है रियलिस्टिक में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो इट्स ओके, बट बच्चों का रहता है इट्स अ टेंडेंसी कि वो बहुत बार स्किप करने के लिए उनको आलस आता है, ये सब चीजों के लिए वो मना करते हैं। तो आप एक शेड्यूल टाइप, एक सिक पॉलिसी टाइप बच्चों को बता दीजिए कि ऐसे ऐसे है आपको वो शेड्यूल फॉलो करना है एंड यू हैव टू फॉलो दिस, उसके बाद आपको वैसे वैसे बिहेव करना पड़ेगा। ओके ये हो गया। इसके बाद वी हैव द थिंग, जब भी आप लोग स्कूल में जाते हो यू हैव पेरेंट्स टीचर मीटिंग, तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग में आप क्या कीजिए, आप जब पढ़ाई के बारे में और दूसरी चीजों के बारे में जब आप टीचर से बात करते हो तो जनरली उन्हीं बातों बातों में आप टीचर से पूछ लीजिए कि एक्चुअली ऐसे ऐसे मैंने आजकल नोटिस किया है कि ये स्कूल आने के लिए मतलब थोड़ा सा नहीं जाना है जाना है ऐसे इसका चलता रहता है। तो कुछ अगर प्रॉब्लम है, कुछ इश्यूज है, अगर खुद से बच्चा बोल रहा है तो आप वो बच्चों वो टीचर को बताइए कि ऐसे ऐसे है, ये बच्चा तंग कर रहा है, वो नहीं कर रहा, ऐसे भी चीजें होती हैं, तो वो आप उनसे डिस्कस कीजिए। अगर नहीं है तो आप टीचर से पूछिए कि आपको कैसा लगता है, वो कैसे बिहेव करता है क्लास में, क्या है क्या नहीं है, वो उनसे पूछ लीजिए एंड अकॉर्डिंगली टीचर आपको आंसर दे देगी। सो वो सब चीजें मतलब हर तरह से जांच पड़ताल करके आप ये सब चीजें यहाँ पे अप्लाई कीजिए। आफ्टर दैट इसके भी बाद टीचर के भी बाद एक और चीज आती है कि कीप एन ओपन माइंड। कीप एन ओपन माइंड मतलब मैंने ये लास्ट में टॉपिक इसलिए रखा है, जो मैंने आपको बोला था कि मैं लास्ट में आपको ये बताने वाली हूं, कि लास्ट में मैंने ये इसीलिए रखा था, कीप एन ओपन माइंड का मतलब है कि आजकल हम लोग के कानों में कुछ ना कुछ न्यूज सुनाई देती है कि छोटे बच्चों के साथ ऐसा हो गया, छोटे बच्चों के साथ वैसा हो गया, बॉयज हो गर्ल्स हो कोई भी हो। तो जनरली क्या होता है, आजकल पेरेंट्स के मन में एक डर बैठ गया है कि बच्चों को नहीं स्कूल जाना है तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण है, ऐसा कारण है। तो प्लीज डोंट बी ओवर पजेसिव, आप बिल्कुल भी ओवर पजेसिव मत होइए अपने बच्चों के लिए। ये चीजें हैं जिसे जो मैटर करती हैं वो चीजें आप ध्यान में रखिए, उसके लिए भी आप बहुत
मेहनत कीजिए कि हाँ उसके उसे भी एक एक मैटर करके उसे भी आपको समझना चाहिए। बट ये चीजें ऐसी है कि जो एक्सट्रीम पॉइंट तक न जाते हुए उसको एक स्टार्ट एक रहता है, तो स्टार्ट में ही ये चीजें आप समझ लें। मतलब अगर उन काइंड उस काइंड ऑफ की चीजें होंगी तो बच्चों का बिहेवियर एक्चुअली चेंज हो जाता है ऐसी चीजों में। तो बिहेवियर अगर बच्चा चुप चुप रहता है, अगर कुछ और उसके बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, मतलब वो एक्चुअली फीलिंग ही बच्चों की अलग हो जाती है। तो अगर आपको उस काइंड ऑफ कुछ लगे तो आप वो मैटर करिए, उसके पास ध्यान रखिए। बट अगर ऐसा कुछ नहीं है बट स्टिल बच्चा बोल रहा है नहीं मुझे नहीं जाना है, आज मेरा मन नहीं है, आज ये नहीं है, आज वो नहीं है, तो आप उसका मीनिंग उधर मत लगाइए। सो मेरा यही मतलब है कि कीप एन ओपन माइंड, मतलब आप ज्यादा ओवर पोजेसिव मत हुए अपने बच्चे के लिए। आपको एक एज अ पेरेंट आपको तो ध्यान रखना ही है, बट हर तरीके से सोच विचार कर आप इन चीजों को एक पॉइंट पे लेके आइए और आप उसे सॉल्व कीजिए, उसका सोल्यूशन निकालिए। सो आई होप मेरे इन कुछ पॉइंट्स से, इन छोटे मोटे पॉइंट से आपको थोड़ी बहुत तो मदद मिली ही होगी। और अगर आपको ऐसे ही और बहुत से टॉपिक होंगे जो बच्चों से रिलेटेड होते हैं, आपसे रिलेटेड होते हैं, ऐसे अगर कोई भी टॉपिक्स हो तो आप मुझे नीचे कमेंट कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप उसे लाइक कीजिए, अपने व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर पे इसे शेयर कीजिए, एंड सबसे 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 ज्यादा इम्पोर्टेंट इसे सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, क्योंकि हमेशा अगर नेक्स्ट टाइम अगर मैं कोई और अच्छा वीडियो लेके आऊं तो वो आप मिस ना करें। थैंक यू, आई होप आपको यहां से बहुत इन्फॉर्मेशन मिली होगी। धन्यवाद।